हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री वाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे आधार कार्ड से अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करना है। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आप सिर्फ आधार कार्ड के नंबर डालकर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ कंप्लीट जानकारी देंगे और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए एक वेबसाइट है जो 100% रियल वेबसाइट है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को आप सभी को मिलेगा। इसके अंदर आप सभी को काफ़ी सर्विस मिल जाता है। अगर आप सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी चेक करना चाहते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एपीएस पेमेंट का। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैलेंस इंक्वायरी का। यहाँ पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए बैंक नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक का नाम सर्च कर लेना है, जो भी आपका बैंक का नाम होगा। बैंक के नाम दोस्तों सर्च करने के बाद नीचे आना है आपको। यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आना है। यहाँ देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पहले वाले जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेगा और आपके अकाउंट में जितना टोटल बैलेंस होगा यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टोटल डिटेल शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो स्टेटस है यहाँ पर सक्सेस का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अकाउंट का बैलेंस आधार कार्ड के माध्यम से चेक कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।